हैं तो हमारे बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, बहुत अच्छे मेधावी हों, उनके जीवन में इंटेलिजेंसी हमेशा रहे, आईक्यू उनका बहुत अच्छा रहे, समाज का काम अच्छा करें, तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटे छोटे कुछ मैं उपाय बताता हूँ, आप जरूर उनका अपने जीवन में उपयोग करें। सबसे पहला उपाय है किसी भी आई को और किसी भी बाप को, माने पिता को, आई को और पिता को, दोनों को अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब भी अगर उनको बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त, तेजस्वी, तपस्वी, संस्कारी और समाज का काम करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए, तो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दाऊद इब्राहिम होते हैं। ये मेरा 15 साल का डॉक्टरी के पेशे का अनुभव है, तजुर्बा है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको अपने बच्चों से त्रास है और वो बच्चे इतने त्रासवादी हैं, आई बड़ी को पीटते, आई कुछ बोले उसको मारते, वड़ील कुछ बोले उसको मारते, आई बड़ील के कंट्रोल में नहीं रहते। जब उन बच्चों के बारे में मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो अंत में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उत्पन्न हुए, बाय एक्सीडेंट। हाँ, तो मेरा आप सभी को ये विनम्र निवेदन है कि जिनको अपने बच्चे तेजस्वी, तपस्वी, संस्कारी, समाजकर्मी, राष्ट्रवादी, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आई बड़ी की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के वो बच्चे नहीं होते। सबसे पहला फैसला आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत सारे काम के लिए नियोजन करते हैं, घर बांधने के लिए नियोजन करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, जितनी पगार है उसमें से पैसा काट काट के बचा बचा के घर बांधने का नियोजन हमारा होता है। ऐसे ही हम नौकरी के लिए बहुत सारे नियोजन करते हैं, तो ऐसा ही नियोजन आपको करना है, ठीक है। अब नियोजन क्या करें, नियोजन करना है, ये पहली बात ध्यान रखिए। बिना नियोजन के बच्चे होंगे तो मैंने आपको बताया वो संस्कारी हो नहीं सकते। और आज के समय में दुख और दुर्दय की स्थिति ऐसी ही है कि ज्यादा बच्चे बिना नियोजन के ही हो रहे हैं। इसलिए आई बड़ील भी परेशान है, समाज उनसे परेशान है, देश भी उनसे परेशान है। ये त्रासवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे त्रासवादी हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए, बिना नियोजन के होने के कारण। तो नियोजन करना पड़ेगा। अब नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नियोजन, संस्कारी बच्चा अगर चाहिए, प्रतापी बच्चा चाहिए, आपको समाजकर्मी चाहिए, धर्मनिष्ठ चाहिए, राष्ट्रप्रेमी बच्चा चाहिए, तो सबसे पहला नियोजन संयम पालना पड़ेगा। ये सबसे पहला नियोजन, बिना संयम के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते, तो संयम आपको अपने जीवन में रखना पड़ेगा। और वो संयम रखने का तरीका क्या है, संयम रखने का बहुत सरल तरीका है, ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य संयम पालने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी मेरा जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का अभ्यास है, विज्ञान का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के हिसाब से मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस जानकारी को आप गंभीरता से सुने, स्वीकार करें। स्त्री के लिए संयम पालना बहुत आसान है, पुरुष के लिए नहीं। माने क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन किसी स्त्री को करना हो तो वो बहुत आसानी से कर सकती है, पुरुष के लिए ये संभव नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ईश्वर ने स्त्री का शरीर ऐसा बनाया है जो पुरुष से ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं
जो स्त्री शरीर में ही है, पुरुष शरीर में नहीं है, और वही हार्मोन स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करते हैं। तो स्त्री को ब्रह्मचर्य पालना अगर करनी है तो वो उसके लिए बहुत सहज है, सरल है, बहुत आसान है। जैसे हमारे जीवन के बहुत सारे काम हम सहजता से और आसानी से करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन और संयम का पालन किसी भी स्त्री को बहुत आसान है। पुरुष को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, स्त्री वो बिना प्रयास के ही कर सकती है। तो मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सब भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि अगर अच्छी संतान चाहिए, तेजस्वी तपस्वी संस्कारी संतान चाहिए, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपने जीवन का थोड़ा ऐसा नियोजन करो जिसमें ज़्यादा आपको स्त्री के साथ संसर्ग ना करना पड़े। साल में एक या दो बार करें तो सबसे अच्छा, नहीं तो महीने में सिर्फ एक बार, ऐसा आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाना पड़ेगा। इस नियम का पालन करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प के लिए आपको एक औषधि की मदद लगेगी, तो वो आप याद रखिए। वो औषधि है आल का रस, आल अदरक। तो अदरक का टुकड़ा अगर मुंह में रख के चूसते रहें तो ये हमारे संकल्प को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। किसी भी तरह का संकल्प हो, ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प हो, व्यसन मुक्ति का संकल्प हो, पैसे के पीछे नहीं भागने का संकल्प हो, अपने जीवन में साधारण तरीके से रहने का संकल्प हो, ये सभी संकल्पों में मदद करता है। तो हमें अच्छी संतान के लिए संयम का पालन ब्रह्मचर्य की मदद से करना है और कोशिश करनी है कि साल में एक या दो बार, नहीं तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ये आपको करना है पुरुषों को। स्त्रियों के लिए ये सहज है, सरल है, क्योंकि भगवान ने उनको कुछ ज़्यादा गुण दिए हैं, उनमें से एक गुण ये है। अब ये गुण होने का एक ही कारण है, मैंने बताया कि उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पुरुष के शरीर में नहीं है। अब उन हार्मोन्स का नाम लेके कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, बस आपको समझाने के लिए। तो आपको बच्चों का नियोजन करना है और नियोजन इस तरीके से करना है, पहला कदम उस नियोजन का संकल्प करना ब्रह्मचर्य का। दूसरा नियोजन का दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग आपको नियमित रूप से अपने जीवन में चूने का इस्तेमाल करना। चूना, चूना मैंने बार बार आपको बोला है, ये दोनों को इस्तेमाल करना है, स्त्री को पुरुष को। तरीका मैंने बता दिया है, दही में डाल के, ताक में मिला के, रस में मिला के, जैसे भी आपको लेना है, एक ग्राम चूना, ये दूसरा हिस्सा। तीसरा आपको खान पान का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान कैसे रखना है? अगर आपको आपके जीवन में ऐसे बच्चे चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हों, राणा प्रताप जैसे हों, तो खान पान का बहुत आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान कैसा रखना पड़ेगा? आपका भोजन सात्विक होना। सात्विक भोजन होने का माने मांस नहीं खा सकते, मदिरा नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, किसी भी तरह का मांस नहीं खा सकते, कोई भी मांस नहीं चलेगा। तो सात्विक भोजन का माने निरामिष भोजन, सात्विक भोजन का माने शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का माने बगैर अंडे का भोजन। ये सात्विक भोजन का आपको अपने जीवन में पालन करना ही पड़ेगा, बिना उसके आपके बच्चे तेजस्वी तपस्वी नहीं होने वाले। तो भोजन करते समय ये ध्यान रखें, मांसाहार का सेवन ना करें, तो शाकाहारी जीवन ज्यादा हो। शाकाहारी जीवन में कुछ चीजों का उपयोग भरपूर करना है, जैसे गाय का दूध, गाय के दूध का दही, दही की ताक, ताक में से निकाली हुई लोनी, लोनी से निकाला हुआ घी, ये ज्यादा उपयोग करना। और जैसे लोनी है ना, लोनी, लोनी
और उसके साथ खड़ी शक्कर, ये नियमित रूप से खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को भी, लोनी खड़ी शक्कर नियमित रूप से। सूप ना भी खाएं तो चलेगा, लेकिन लोनी और खड़ी शक्कर नियमित रूप से लें। लोनी जो है ना मक्खन नहीं है, मक्खन अलग है, लोनी अलग है, समझते हैं ना। वो दही में वो चलाते हैं, मराठी में क्या कहते हैं उसको, मथानी, रई, तो रवि चला के जो निकलेगा वो लोनी। मक्खन जो है वो दूध से ही निकाला जाता है सीधे, तो लोनी खानी है, मक्खन नहीं। तो लोनी और थोड़ा सा खड़ी शक्कर नियमित रूप से दोनों पति पत्नी उपयोग करें। कितना लें, मात्रा कितनी हो, कम से कम 25 ग्राम लोनी और 5 से 10 ग्राम खड़ी शक्कर। और इसके अलावा जो नियमित रूप से आपको भोजन में लेना है, तिल आपको नियमित भोजन में खाना, तिल, मसूर की दाल, मूंग की दाल नियमित रूप से खाना, एक दिवस मूंग की दाल, एक दिवस मसूर की दाल, ऐसे नियमित रूप से खाना। और नियमित रूप से जो फल सीजन वाले होते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में जो फल हैं उसमें आम सबसे जास्ती है, तो भरपूर आम खाना। थोड़े दिन में सीजन बदलेगा तो फल भी बदलेंगे, तो सीजन वाले जो फल है वो भरपूर खाना। जैसे संतरा आएगा, मौसमी आएगी, द्राक्ष आएगा, सीजन के हिसाब से। तो अभी आम है, आम के बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, तो ये सीजन वाले फल भरपूर खाना है। और फल कभी भी भोजन के साथ नहीं खाना है, अकेले खाना। केला हो, दूसरे फल हो, वो भोजन के साथ नहीं, अलग से खाना। जैसे भोजन किया उसके 2 तास बाद या 2 तास पहले फल खाना, या तो फल सुबह सुबह नाश्ते में भरपेट खाना, वो सबसे अच्छा। और एक चीज नियमित रूप से करनी पड़ेगी कि थोड़ा शरीर श्रम नियमित रूप से हो, पति का भी पत्नी का भी। पति का शरीर श्रम क्या होना और पत्नी का क्या होना, इसके लिए 2 अलग अलग विभाजन हैं हमारे शास्त्रों में। पत्नी के लिए शरीर श्रम ऐसा होना जिसमें पेट का हिस्सा, जिसको गर्भाशय कहते हैं, उसमें बार बार मूवमेंट आए, ऐसा श्रम हमें होना पत्नी के लिए, स्त्री के लिए। तो वो क्या करना है, जैसे वो चटनी बनाते हैं ना, चटनी, तो चटनी अगर मिक्सी में बनाएंगे तो शरीर का श्रम नहीं है, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो शरीर का श्रम है। और उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट यूट्रस रीजन का ही होता है, गर्भाशय का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो चटनी हाथ से बनाए। इसी तरह से हाथ काम ज्यादा घर का, कपड़े धोना तो हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन से नहीं धोना, चटनी बनाना तो हाथ से बनाना, रोटी बनाना तो हाथ से बनाना। आजकल रोटी बनाने का मशीन आ गया है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है, रोटी बनाना तो हाथ से, कपड़े धोना तो हाथ से, चटनी बनाना, ये सब स्त्रियों के लिए। और एक बहुत अच्छा श्रम है, अगर आप सब करेंगे तो बहुत अच्छी संतान आपको होने वाली है। वो श्रम क्या है, चाकी चलाना, क्या बोलते हैं उसको, जाता, यस, जो भी ताई, जो भी आई इसको चला सके, दिन में 15 मिनट, जास्ती नहीं, बस 15 मिनट, उसकी संतान सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छी होने वाली। ये चलाने का, अब इसको चलाने से होता है कुछ भी नहीं है, एक ही काम होता है, हमारा जो गर्भाशय का क्षेत्र है उसका सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी पोजीशन में होता है जब हम ये चलाते। मैंने थोड़ा अभ्यास किया, अपने पुराने जमाने की जो आई है, जो जाता चलाती है, सबके बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त। मेरी आई मेरे बारे में बताती है, मेरा और मेरा एक छोटा भाऊ है, हम दोनों का जन्म मेरी आई ने 8 महीने लगातार जाता चलाया। हमारे घर में एक परंपरा है कि जो आटा होता है वो ताजा खाना, तो जाते से ही संभव है, वो बाहर से पिसा के नहीं लाना,
तो वो परंपरा के कारण मैं मेरे भाऊ का दोनों का जन्म हुआ है और मैं जब से जन्म हुआ बीमार नहीं पड़ता, मेरा भाऊ भी बीमार आसानी से नहीं पड़ता। मेरे घर में मेरी आई को बहुत बार मैंने पूछा, तब उसने ये बताया कि जाता का परिणाम। मेरा जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, मेरे भाऊ का भी जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, घर में हुआ। मेरी अज्जी ने हम दोनों का जन्म कराया, डॉक्टर को नहीं बुलाया, मेरी अज्जी पढ़ी लिखी नहीं थी, दोनों का जन्म उसने आसानी से कराया। वो एक ही कारण जाता। तो आपके घर में अगर जाता लेके आए बहुत अच्छा मिलता है ना जी, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 50-60 रुपए में या 100 रुपए में मिल जाता है। तो आप उसको नियमित रूप से 15 मिनट, जास्ती नहीं 15 मिनट चलाएं, स्त्रियों के लिए। पुरुषों के लिए शरीर श्रम क्या करना है, पुरुषों के लिए शरीर श्रम सबसे आवश्यक है कि आप थोड़ा दिन अगर चाहते हैं कि स्वस्थ संतान हो तो नागर चलाना। नागर चलाना अभी नागर अभी नागर चलाना उनके लिए तो आसान है जिनके पास खेती है और बैल है। जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करते हैं बैंक में, बीमा कंपनी में, अभी तो हम नागर नहीं चला सकते, तो उसके बराबर का एक दूसरा श्रम है, उसी के जैसा श्रम है, सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो तीसरा और आखिरी श्रम है, जास्ती पैदल चलना। पैदल चलना, एक दिन में 4-5 किलोमीटर पैदल चलने का आदत डालिए। हर समय मोटरसाइकिल पे चले, कार में चले वो अच्छा नहीं, थोड़ा 5-7 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास हो, नहीं तो नागर चलाने का हो, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ने। तो पुरुषों के लिए इस तरह का श्रम है, स्त्रियों के लिए जाता चलाना, चटनी बनाना, कपड़े धोना, ये सब श्रम अगर हम करें तो संतान आपकी स्वस्थ तंदुरुस्त और बहुत तेजस्वी और तपस्वी होने वाली है। तो ये नियोजन के कुछ कुछ काम है, और एक काम करना है हमें नियोजन के लिए, बहुत आवश्यक है वो, और वो नियोजन इस तरह का करना है कि हमारे जीवन में, वैसे तो ये बात बताना ठीक नहीं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं। बहुत बार ऐसे मुझे पेशेंट आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई हमारे शरीर का रंग तो अच्छा नहीं है, काला है, थोड़ा डार्क है, लेकिन हमको हमारी संतान चाहिए उसका रंग साफ होना, अभी क्या करें। ऐसे बहुत लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये बेकार का बात है, फिर भी वो कहते हैं नहीं कुछ तो औषध बताओ। तो इसकी औषध ये की है कि जो भी अपने संतान का रंग साफ चाहते हैं, थोड़ा वाइटिश कलर चाहते हैं, रंग उसका अच्छा फेयर कलर चाहते हैं, भले उनका रंग अच्छा नहीं है, तो वो नियमित रूप से स्त्री और पुरुष हड़द का दूध पीते रहना। रात्रि को दूध में हड़द मिला के पीते रहना, थोड़ा सा उसमें तूप भी डालना। तो तूप, हड़द और दूध जो भी नियमित रूप से पिए, सभी के बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे रंग वाले होते। तो ये नियोजन का एक हिस्सा है, और एक हिस्सा है कि आपके बच्चों की बुद्धि कभी भी तेज रहे, तीव्र रहे, मंदी मंद ना हो, कभी भी उनकी बुद्धि तेज रहे, तेजस्वी रहे, आईक्यू उनका अच्छा रहे, मति मंदता कभी भी ना आए, तो आप और एक छोटा सा नियोजन करना, और वो नियोजन बस वही है जो मैं बार बार पहले कह चुका हूँ, दही चूना मिला के खाते रहना, गाय के दूध का दही बनाना, चांदी के बर्तन में उसको दही जमाना, सकाड़ी उसको दही को चूना मिला के खाना। गाय माने देसी गाय, तो मति मंदता नहीं आए, बच्चों में स्वस्थ रहें, तेजस्वी रहें, तपस्वी रहें, सद्भावी हो, सद्विचारी हो, इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियोजन। और एक छोटा सा नियोजन, वो नियोजन क्या है, नियोजन एक ही है कि हमें अच्छी सुदीर्घ जीवन वाली
तेजस्वी जीवन वाली संतान चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, मुलगी हो या मूला, संतान तेजस्वी तपस्वी चाहिए। तो एक नियोजन जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो पति और पत्नी हैं वो आपस में जब संसर्ग करें तो पति का मासिक चक्र पूरा होने के बाद, पत्नी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद या पत्नी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से 10 दिन छोड़कर, पत्नी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से 10 दिन बाद और 17 दिन के पहले या 18 दिन के पहले, बीच का ये 7-8 दिन का जो समय है, इसी समय में एक दूसरे के साथ संसर्ग कर, तो सबसे ज्यादा तेजस्वी और तपस्वी संतान होगी। पत्नी के मासिक धर्म के शुरू होने वाले दिन को गिनकर 10वें दिन से 18वें दिन के बीच का जो समय है, यही सबसे अच्छा समय है तेजस्वी और तपस्वी संतान का, वही 7-8 दिन का समय। अब इसमें दो तरह के दिन आएंगे, एक सम होंगे एक विषम होंगे। जैसे 10वां दिन सम, 11वां विषम, 12वां सम, 13वां विषम, 14वां सम, 15वां विषम, 16वां सम, 17वां विषम, 18वां सम। तो जो सम दिन है उनमें अगर आप संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्र होगा, और विषम वाले दिन में संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्री होगी। 1% इसमें अपवाद है और वो कहीं भी होता है। तो अगर आपको नियोजन करना है कैसा, अब व्यसन मुक्त युवक संघ में कुछ कार्यकर्ताओं के पास पुत्री है तो पुत्र चाहिए, तो उनके लिए ये माहिती मैं दे रहा हूं, और जिनके पास पुत्र है उनको पुत्री चाहिए उनके लिए भी ये माहिती दे रहा हूं। सम दिन में जाएंगे तो पुत्र, विषम दिन में जाएंगे तो पुत्र। और एक और माहिती इसी नियोजन के लिए, आप जानते हैं महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा, तो जो शुक्ल पक्ष है इस शुक्ल पक्ष के दिनों में अगर आप संसर्ग के लिए जाते हैं तो 99% आपके बेटे या बेटी का जन्म जो होने वाला है वो बहुत प्रतापी, तेजस्वी, लड़ने वाला, भिड़ने वाला होगा। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे जो हमारे देश में भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब शुक्ल पक्ष वाले लोग हैं। शुक्ल पक्ष आप समझते हैं जब चंद्रमा लगातार बढ़ता हुआ होता है, और कृष्ण पक्ष उसका उल्टा। कृष्ण पक्ष में जब आप जाएंगे तो अच्छे से अच्छे साहित्यकार, वैज्ञानिक, बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे बच्चों का जन्म होगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र खुराना, हमारे देश के बोस, हमारे देश के ये जो महान लोग साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ये सब कृष्ण पक्ष वाले लोग हैं। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्कर क्या है? ये चक्कर है चंद्रमा के शरीर पर पड़ने वाली ऊर्जा। आप जानते हैं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं होता और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत तीव्र होता है। चंद्रमा की तीव्रता अपनी नहीं है, आपको मालूम है चंद्रमा का प्रकाश कहां से आया? सूर्य से। तो चंद्रमा की तीव्रता है तो वो उसकी अपनी नहीं है, सूर्य की तीव्रता है। तो आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष में सूर्य की तीव्रता है, तो उस दिन में जो संतान आएगी वो सूर्य जैसी ही होने वाली है। सूर्य कैसा है? जला के सबको राख कर दे, ऐसा। तो राणा प्रताप, छत्रपति शिवाज, शंभाजी महाराज, ये सब ऐसे ही लोग हैं जो शुक्ल पक्ष वाले। और आपको चंद्र पक्ष में, चंद्र पक्ष माने सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश है, तो उस समय के नियोजन में जो संतान होगी वो दिमाग वाली होगी, शरीर वाली नहीं, जिसका ब्रेन बहुत चलेगा, इंटेलिजेंसी उसकी कंप्यूटर से जैसी, उससे भी ज्यादा तेज होगी।
दुनिया में सारे दिमाग के काम करने वाले लोग चंद्र पक्ष के पैदा हुए और शरीर से लड़ भिड़कर साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग शुक्ल पक्ष के पैदा हुए। तो नियोजन आपको करना है, माहिती मैं दे रहा हूं, तो आप तय करिए आपके जीवन में क्या चाहिए। अब एक संतान आपके पास है, मान लो शुक्ल पक्ष वाली, तो एक चंद्र पक्ष वाली जरूर करना, क्योंकि दुनिया में दोनों की जरूरत है। खाली लड़ने भिड़ने वाला ही नहीं चाहिए, विज्ञान की खोज करने वाला भी चाहिए, क्योंकि दोनों से जीवन चलता है। शत्रु से रक्षा करने के लिए है और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी है। तो एक संतान शुक्ल पक्ष की, एक चंद्र पक्ष की, ऐसा नियोजन करिए। एक संतान सम तारीख वाली, दूसरी विषम तारीख वाली, ऐसा नियोजन करिए। और बाकी के शुरू के नियम जितने मैंने बताए हैं वो सबको एक साथ पालन करना, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वो इतने बारीक हैं कि मैं बताऊंगा आपके दिमाग में जाएंगे नहीं। अभी जितना बताया है इतने पर आप प्रयास शुरू करें, उसके बाद बारीक नियम अगर जानना है तो एक पुस्तक मैंने लिखी है, बाघवट जी के सूत्र पर तीन पुस्तकें मैंने लिखी है, स्वदेशी चिकित्सा, बाघवट, अष्टांग हृदय के आधार पर भाग 1, 2, 3। बारीक बातें हैं उनसे पढ़ सकते हैं, मोटी जितनी बात है वो मैंने आपको बताई। तो ठीक है, मैंने कुछ माहिती दी है, आपके समझ में आई है कुछ तो बहुत अच्छा। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपकी संतान अच्छी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, तो खान पान में जितने नियम बताए हैं एक बराबर याद रखना, लोनी और खड़ी शक्कर ये रोज खाना। लोनी आप समझते ही हैं, खड़ी शक्कर आपको मानती है, लोनी और खड़ी शक्कर रोज खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को भी। जी मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ज्यादातर मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो उन पति पत्नी के हैं, उन आई मड़ी के हैं, जिनके दोनों के शरीर में कैल्शियम बहुत बहुत कम है, उनके बच्चे मतिमंद होने ही वाले हैं, उनके बच्चे हैंडीकैप होने ही वाले हैं। पति के शरीर में कैल्शियम कम हो, पत्नी के शरीर में कैल्शियम कम हो, जरूर बच्चे ऐसे होंगे जो मतिमंद होंगे और शरीर से विकलांग होंगे। तो ध्यान रखिए इसका, कैल्शियम कम ना हो शरीर में। तो आप बोलेंगे क्या इसका टेस्ट होता है? हाँ, कैल्शियम का टेस्ट होता है, आपकी बोन टेस्ट करा के आप कैल्शियम की मात्रा पता लगा सकते हैं। बाजार में जो पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं वो कैल्शियम टेस्ट करते हैं, आप चाहें तो टेस्ट करा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 50 या 60 रुपए के खर्चे में या बहुत अधिक 100 रुपए के खर्चे में कैल्शियम टेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। महाराष्ट्र में कोंकण अकेला एक बेल्ट है जहाँ के बहुत तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, उसका कारण है। और कोंकण बेल्ट के सभी बच्चों की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर है, किसी की इतनी सुंदर आंखें नहीं है जो कोंकण पट्टी के बच्चों की आंखें हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ, कोंकण पट्टी के बच्चे आप जानते हैं कोंकणस्थ, जिनको हम कहते हैं मराठी में कोंकणस्थ, ये कोंकणस्थ लोग दुनिया में इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर है। इनका जब IQ टेस्ट होता है ना, दुनिया के सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, दुनिया के देशों में इनकी IQ सबसे ऊंची। कारण पूछो आप, कारण उसका एक ही है कि कोंकण पट्टी की जो मिट्टी है ना वो उसकी विशेषता है। कोंकण की मिट्टी आप देखो लाल रंग की है, देखा लाल रंग की मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी में जो धान उत्पन्न होता है उसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में इतना कैल्शियम और आयरन किसी मिट्टी में नहीं है जो लाल मिट्टी में होता है। अब कैल्शियम और आयरन हर चीज में ज्यादा होगा, कोंकण का आम होगा ना आम, उसमें भी कैल्शियम आयरन है,
कोंकण का धान उसमें भी कैल्शियम आयरन है, कोंकण की दाल होगी उसमें भी कैल्शियम आयरन है, कोंकण की ज्वारी होगी उसमें भी कैल्शियम आयरन। तो ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर जो कुछ वो खाते हैं उसका परिणाम और मिट्टी में होने वाले कैल्शियम और आयरन से, लाल मिट्टी दुनिया में जहां भी मिलेगी उसमें भरपूर कैल्शियम और आयरन है और कोंकण की मिट्टी में कैल्शियम आयरन सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां की संतानें दुनिया में सबसे तीव्र बुद्धि मानी जाती है। तो ये बात समझ में आई कोंकण की? तो आप कहेंगे हम भी कोंकण में रहें, रहिए, लेकिन आप में परिवर्तन आएगा दो जेनरेशन के बाद, अभी तुरंत नहीं आएगा, दो जेनरेशन आपकी निकल जाएंगी, थर्ड जेनरेशन में ये परिवर्तन आ जाएगा अगर कोंकण में आप रहते हैं तो। हाँ, अब आप देखिए इनका तो सवाल और भी अच्छा है कि कोंकण में हम नहीं रह सकते, कोंकण को अपने घर में ला सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसा धान्य खाएं जिसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा हो तो वो आपके घर में भी होगा। तो ऐसा धान्य खाइए जिसमें कैल्शियम और आयरन ज्यादा हो। अब कैल्शियम और आयरन का धान्य ज्यादा होगा तभी संभव है कि जो धान्य को उत्पन्न करने में यूरिया डीएपी ना डाला गया हो तभी वो संभव है। तो बिना यूरिया बिना डीएपी का धान्य पैदा करिए 3 बरस तक, चौथे बरस से आप खाना शुरू करिए तो आप में कोंकण आ जाएगा। पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो आएगा, थोड़े बेहतर तो आप होंगे और आपकी संतानें आपसे बेहतर हैं। ठीक है, अभी एक सवाल मुझे पूछा गया, हम जब विवाह करते हैं ना विवाह, तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है, नाड़ी का मिलान करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं। आप जानते क्यों करते हैं? नहीं मालूम। कोई लोग तो कहते हैं कि ये बुआबाजी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाड़ी का मिलान करना गोत्र का मिलान करना ये बकवास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है, ये साइंटिफिक बात है। बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नाड़ी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं कि डीएनए एक ही ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष की शादी ना हो। एक ही डीएनए ग्रुप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिंदगी भर संतान का त्रास रहेगा। एक ही डीएनए ग्रुप में, डीएनए के ग्रुप हैं और वो ग्रुप अगर एक ही जैसे हैं, नजदीक नजदीक का बहुत अंतर नहीं है, उनमें आपस में शादियां हुई तो एक तो संतान होगी नहीं, हो भी गई तो मतिमंद होगी, विकलांग होगी, कमजोर होगी, बुद्धि से बिल्कुल कमजोर होगी, शरीर से कमजोर होगी और संतान जीवित नहीं रहेगी ज्यादा दिन, जल्दी मरेगी अगर एक ही ब्लड ग्रुप के नजदीक वालों की शादियां हो गई। तो जब हम नाड़ी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का ध्यान रखते हैं, एक ही नाड़ी और एक ही गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि डीएनए एक ना हो। डीएनए एक होने के चांसेस तभी हैं जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो, तो 100% ब्लड ग्रुप एक हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना, वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूं जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो ही नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिश करो। तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है। वो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने कहा आपने पाप एक ही किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नाड़ी गोत्र का ध्यान रख के करते
तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है, माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी, तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसटता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा नहीं टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इम्पल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक अकेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है। तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में भी। और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली, और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं सकता। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में हैं, और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी में, ये ऐसी हालत हो जाती है। एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या पांच दस दिन पहले तक किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री, दुनिया का सबसे सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता, और पांच छह दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है, और वो ऐसी घिसकती है जैसे एक टांग का आदमी घिसकता है। तो आप जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें, मेरा ये कहना। एक डॉक्टर की नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आपके मन में इंपल्स बहुत ज्यादा हो तो कोई फैसला मत करिए, क्योंकि फैसले के गलत होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। इंपल्स बहुत है तो एक बात याद रखिए, डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है, और ये हार्मोन है विवेक को खत्म कर देता है, विवेक काम ही नहीं करता, विवेक काम नहीं करेगा, फैसला गलत होगा, फैसला गलत होगा, जीवन भर आप पछताएंगे कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत फैसला किया, उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा। तो ये आप मत करिएगा, प्रेम करिए लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करिए, प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन प्रेम का आवेग खतरनाक है। प्रेम खराब नहीं है, उसमें जो आवेग है, इंपल्स है, वो बहुत खतरनाक, उसको ध्यान रखिए। आपकी संतान के विषय में सोचकर, देश और समाज और धर्म के विषय में सोचकर, ठीक है। अभी एक दो प्रश्न आ गए। हाँ, ब्लड ग्रुप दोनों का अलग रहे हमेशा, पति और पत्नी का, ये ध्यान रखिए। एक का पॉजिटिव हो, दूसरे का निगेटिव हो, चलेगा। जैसे किसी का बी पॉजिटिव है पति का, पत्नी का बी नेगेटिव है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का बी पॉजिटिव होगा तो तकलीफ, दोनों का बी नेगेटिव हुआ तो तकलीफ, थोड़ा भी अंतर रहना चाहिए, थोड़ा भी अंतर हमेशा रहना चाहिए। जी जी हाँ, अभी हमारे देश में कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि रिलेशन में शादियां होती है, ये पूरे भारत में तो नहीं है, महाराष्ट्र में है और थोड़ा सा दक्षिण में कर्नाटक में है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र छोड़ के तो बाकी नहीं, लेकिन हम रिलेशन में शादियां कर रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखिए, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ना हो। अगर सेम है तो कोशिश करिए आगे से अवॉइड करें, अब कर ली है तो अब उसमें तो कुछ नहीं, जो हो गया तो बात खत्म हुई, लेकिन आगे से आप दूसरों को जब सलाह करें तो ये ध्यान रखिए उनको कि ब्लड ग्रुप सेम ना हो तभी शादी करें, भले वो नजदीकी रिश्तेदार हो। तो और कोई प्रश्न, ये कि पति पत्नी दोनों वैवाहिक जीवन जब शुरू करें, अच्छी संतान होना, उसके लिए हमेशा दक्षिण की दिशा में सिर करके सोएं, ये बहुत जरूरी बात थी मैं भूल गया। पति पत्नी जब अपना जीवन शुरू करें तो हमेशा सिर दक्षिण की दिशा में रखते सोएं, साउथ में, ये भी नियोजन का एक हिस्सा है।
और कोई प्रश्न? जी, अब देखिए एक विज्ञान की माहिती के लिए मुझे पत्र लिख के आया। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम गुण सूत्र कहते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं उसके बारे में एक मोटी माहिती आप सभी को है। एक्स और वाई अगर आपस में मिलेंगे तो हमेशा पुत्र होगा, लड़का होगा। एक्स और एक्स मिलेंगे तो हमेशा बेटी होगी, लड़की होगी। ये मोटी सी माहिती है। अब इसमें समरात्रि का क्या संबंध है? मैंने बोला ना, हमारी पत्नी के या स्त्री के मासिक चक्र के शुरू होने के दिन से दसवां दिन सम, ग्यारहवां दिन विषम, बारहवां दिन सम, तेरहवां दिन विषम। तो ये सम विषम का गुण सूत्र के साथ कोई संबंध है? हाँ, संबंध है। जब सम दिन होता है तो उस दिन पुरुष का जो क्रोमोसोम्स है, स्त्री में तो दो एक्स ही होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम्स है वो बहुत पावरफुल होता है सम वाले दिन पर, इसलिए पुत्र होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। और विषम वाले दिन पर एक्स क्रोमोसोम्स बहुत पावरफुल होता है पुरुष का, इसलिए बेटी या पुत्री होने की शक्यता सबसे ज्यादा। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, वो सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। स्त्रियों को जब मासिक पाड़ी आती है ना, तो घर के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे कड़क नियम पालन करवाते हैं। स्वयंपाक घर में नहीं जाना, स्वयंपाक नहीं करना, भोजन नहीं बनाना, ऐसे करना वैसे करना वगैरह। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है, एक ही बात है कि जब स्त्री को मासिक पाड़ी शुरू होती है तो उसके पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है, सबसे महत्व का समय। और मैं विज्ञान की माहिती आपको एक देना चाहता हूं कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, सबसे पवित्र भी। उसमें होता क्या है कि स्त्री के शरीर का जो गर्भाशय है वो अपने को स्वच्छ कर रहा है और आने वाली संतान के लिए तैयारी कर रहा है, तो इससे ज्यादा पवित्र और अच्छा तो कुछ नहीं किसी भी स्त्री के। तो उसकी पवित्रता सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों में होती है जब वो मासिक पाड़ी में होती है। और पुरुष के बारे में मैं जानकारी देता हूं जो गुरुसूत्र के आधार पर है और साइंस के आधार पर है कि पुरुष स्वभाव से अपवित्र होता है। हाँ, इसमें आप हंसिए मत, ये सच है। पुरुष जो है स्वभाव से, चरित्र से, बाई नेचर, बाई करेक्टर अपवित्र होता है, इम्प्योर जिसको कहते हैं, उसमें पवित्रता ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको हैरानी होगी, भारत में बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं जहां पर पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपको देवस्थान में पूजा करनी है, अपनी पत्नी को लेकर आओ। मैं बहुत सारे देवस्थान में नहीं जा सकता। हाँ, मेरे साथ ये दुर्घटना हो चुकी है, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में ऐसे बहुत मंदिर हैं। मैं अंदर गया गर्भगृह में पूजा, उसने रोक दिया। पहले तो रोक दिया ये वस्त्र उतारो, तो मैंने कहा ठीक है उतारता हूँ। फिर धोती पहनो, धोती माने लुंगी पहनो, मैं वो भी पहन लिया। फिर उसने पूछा आपका विवाह हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ, तो आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैं पूछा भाई क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा आप पवित्र नहीं। हाँ, तो पहली बार मेरे जीवन में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाद में मैं वहां से लौट आया तो मेरे जो बहुत सीनियर गुरु हैं जिन्होंने मुझे चिकित्सा और ये सब सिखाया, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड का, लेकिन चिकित्सा मैंने सीखी, तो जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि मंदिर का पुजारी कहता है मैं पवित्र नहीं, पवित्र तब होता हूँ जब मेरा विवाह होता है, पत्नी साथ होती है। तो मेरे जो सबसे बड़े गुरु थे उन्होंने कहा कि पवित्रता स्त्री में ही होती है, पुरुष में नहीं होती। और उसका कारण ये है कि हर महीने उसका शरीर अपने पुराने कचरे को निकालकर नया धारण करता है, पुरुष में ये नहीं होता। इसलिए मासिक पाड़ी के दिनों का जो समय है वो सबसे पवित्र है। इसलिए कहा यह गया है कि इस पवित्र समय को फालतू के काम में बर्बाद नहीं करना।
फालतू का काम क्या, स्वयं पाक करना, रोज होता ही है वो तो। फालतू का काम क्या, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो रोज चलता ही है। उन चार पांच दिनों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना, ऐसा काम करना जो पवित्र ही है, जैसे ईश्वर का ध्यान करना, भजन करना, मन में थोड़ा सा संवाद करना अपने से, ईश्वर से। इसके लिए थोड़े फालतू कामों से समय को रखना बाहर, इसके लिए ये कहा गया कि दिन के जो सामान्य काम है वो उन चार पांच दिनों में नहीं करना। अब हुआ क्या, हमारे घर वालों ने इसका इंटरप्रिटेशन उल्टा कर दिया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया, ये खराब है, ये पवित्र है, वहां कोने में बैठ जाओ, किसी को छूना नहीं, किसी को ये करना नहीं। ये फालतू बातें हमारे घर में घुस गई, क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया, खाली परंपरा को ले लिया। तो मेरा आपको ये कहना है कि मासिक पाड़ी के जो भी चार पांच दिन हैं, वो सबसे महत्व के दिन हैं, सबसे पवित्र दिन हैं, उनमें सबसे अच्छा काम करना चाहिए। तो जो काम आपके नॉर्मल रूटीन में नहीं हो रहा है वो उन दिनों में आप करिए। जैसे डेली के रूटीन में आपको बहुत समय स्वयं पाक में जाता है, वो चार पांच दिन आप स्वयं पाक के समय को बचा कर आपके ईश्वर के ध्यान का समय, आपके प्राणायाम का समय, आपके साधना के समय में लगे, इसके लिए वो समय थोड़ा खाली रखे। और पुरुष को कहा गया है कि वो परेशान ना करे अपनी पत्नी को और स्त्री को उतने दिनों में, क्योंकि मैंने कहा ना, संयम स्त्री ही पालती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। तो अक्सर पुरुष के संयम टूटते हैं, तो वो उन दिनों में तो संयम को कठोरता से पालन करे, ऐसा हमारे आयुर्वेद में निर्देश दिया गया। तो मासिक पाड़ी के समय सीना नहीं, फिरोना नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, इसके पीछे का अर्थ एक ही है कि आपका ये समय बचाकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी समाधि की स्थिति में रहना चार पांच। बोल सकते हैं धीमे स्वर में, धीमे स्वर में माने मध्यम स्वर में। एक तो ओंकार हम करते हैं तीव्र स्वर में, वो मासिक पाड़ी के बाद के दिनों में करिए जब पाड़ी पूरी हो जाए, लेकिन पाड़ी के समय में आप ओंकार जरूर बोल सकते हैं मंद स्वर में, ज्यादा हाई पिच पे नहीं, ज्यादा हाई पिच पे कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मंद स्वर में करना, क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, अग्नि बहुत तीव्र होती है, और ओंकार बोलने से भी अग्नि और तीव्र होती है। तो ओंकार मध्यम स्वर में बोलना, नहीं तो उस समय सबसे अच्छा शीतलीकरण प्राणायाम, शीतलीकरण समझते, जीभ को बाहर निकाल के बोलकर, ये सबसे अच्छा है। शरीर को त्रास देने वाला कोई आसन ना करें, एक आसन उस समय जरूर करें, उसका नाम है मकर आसन। मकर आसन समझते, पेट के बल लेटना और हाथ को ऐसे करके, और आपका ये चिन पोर्शन है ये हाथ पे रख के पांव दोनों ऐसे ऐसे लेटना, ये सबसे अच्छा आसन है मकर आसन। फिर शीतलीकरण, फिर अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो ग्रामीण भाग में मासिक पाड़ी के समय में जो माहिती आपको दी गई है, इसका थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। ये पवित्र दिन है, खराब दिन नहीं है, बहुत पवित्र दिन है, और शरीर से जो निकल रहा है रक्त वो भी खराब नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। ये हम कहते हैं ना रक्त बहुत खराब है, बिल्कुल खराब नहीं। शरीर में जितना रक्त है और उसमें जितनी शुद्धि है, लगभग उतना ही शुद्ध वो है। वो इसलिए बाहर निकल रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। अभी नया रक्त निर्माण होगा, वो एक महीने तक शरीर में रहेगा, फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी तो वो निकलेगा, फिर नया निर्माण होगा। तो हर महीने नया निर्माण हो, इसके लिए पुराना स्थान खाली करने के लिए वो रक्त बाहर निकलता है। वो अशुद्ध रक्त है इसलिए निकलता है, ऐसा नहीं। हाँ, पूजा आप करें वैयक्तिक। एक तो पूजा होती है सामूहिक और सार्वजनिक, जो परिवार के साथ करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्त्रियों को उन दिनों में वैयक्तिक पूजा ज्यादा करनी। वैयक्तिक पूजा माने अपने लिए ध्यान, अपने लिए प्राणायाम, अपने लिए योगासन, अपने लिए वो सब साधना की स्थिति। परिवार के लिए तो बाकी 25 दिन है ही, वो तो मरना घटना है ही, ये 5 दिन तो उसके अपने हैं, इसके लिए वो उसको कहा गया।
आराम तो करना ही है, क्योंकि उष्णता बहुत है, मैंने कहा ना गर्मी बहुत होती है शरीर में, गर्मी ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़े हुए में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं होता, इसलिए ध्यान प्राणायाम शीतलीकरण व्यायाम अपने लिए करके बाकी समय आराम के लिए ही रखना है, ज्यादा काम नहीं करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वेद में ऐसा नहीं, बिल्कुल श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, वेद मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं, पूरे ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, पुराणों में है, तो पुराण मनुष्य के लिखे हुए हैं इसलिए उसमें ये है, वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है उसमें कहीं नहीं, सभी वेदों में इस बात की छूट है कि आप मासिक पाड़ी के दिनों में ध्यान अपने लिए, प्राणायाम अपने लिए, प्रार्थना अपने लिए, ईश्वर के साथ संवाद अपने लिए कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि चूंकि उन दिनों में हीट बढ़ी हुई है, हीट बढ़े हुए नहीं होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़े हुए के कारण काम नहीं करना अच्छा होता है, आराम करना ही अच्छा होता है। हाँ, इतनी बात समझ में आई जी? हाँ, स्त्रियों के लिए कहें, हाँ ठीक है, अभी जितनी बात मैंने कही वो आपके समझ में आई नहीं आई? आई, ठीक है, और आई है तो आप दूसरों को समझा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आप थोड़ी एक दो माहिती और देता हूँ, वो माहिती ये देनी है कि मान लो गर्भाधान हो गया, अभी क्या करना, एक तो गर्भाधान के पहले के मैंने आपको कुछ नियोजन बताए सूत्र रूप में, अभी गर्भाधान हुआ फिर क्या करना, तो उसके लिए भी सतत कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। उनमें से पहली एक वस्तु, एक बात, एक माहिती जरूर याद रखनी है, गर्भाधान होने के बाद बहुत 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 सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आपकी एक छोटी सी असावधानी जीवन भर की आपकी जो मेहनत है उसको बेकार कर सकती है, इसलिए गर्भाधान होने के बाद बराबर ध्यान रखना है एक बात का, वो ये कि आपका भोजन, आपका जीवन अच्छा होते ही जाना चाहिए, गर्भाधान के पहले तो अच्छा है ही, होने के बाद तो और भी अच्छा होना, तो अच्छा होने से मतलब क्या है, दूध, ताक, दही, लोनी, तूप, ये भरपूर खाना है, बिल्कुल चिंता मत करिए, उसके बाद पतला होने का भी बता दूंगा मैं, गर्भाधान होने के पहले का जो नियोजन मैंने बताया बाद का भी उतना ही जरूरी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्भाधान होने के बाद दूध, तूप, लोनी, दही, ताक, ये भरपूर खाना है, और हमेशा याद रखना है गाय का खाना है, तूप तो जितना खाएं उतना अच्छा, फिर आपके मन में आएगा वजन बढ़ेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, गाय के तूप से कभी किसी का वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है मशी के तूप से, मैं बार बार कह रहा हूं गाय का तूप खाना है, मशी का नहीं खाना, वजन नहीं बढ़ेगा, गाय का दूध, मछी का नहीं पीना, गाय का पीना तो भी वजन नहीं बढ़ता, तो सूप, दूध, दही, लोनी, ताक, घी, मक्खन, ये सब खाना, एक दूसरा, भरपूर कैल्शियम आपके शरीर में रहे, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को डबल कैल्शियम अब चाहिए, तो चूने की मात्रा लगातार खाती रहनी है, बढ़ा दिए तो और ही अच्छा है, दही में, ताक में चूना बराबर खाते रहना, केला भरपूर खाते रहना है क्योंकि केले में भरपूर कैल्शियम है, फुटाने शेंगा भरपूर खाते रहना है, दोनों में कैल्शियम है, तिल खाते रहना है उसमें भरपूर कैल्शियम है, ये आप छोड़ दो, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, नहीं आप भरपेट खाओ, आप जितना खाना चाहते हैं केला खाओ, कुछ त्रास हुआ तो मुझे फोन कर लेना, तो आप गर्भाधान के समय में ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें कैल्शियम है, ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें आयरन है, ये दूसरी बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, समय से भोजन और समय से आराम, ये गर्भाधान के बाद बहुत आवश्यक है,
समय से भोजन का मतलब है लंच आपका 10 बजे के आसपास होना ही चाहिए और डिनर शाम को 5-6 बजे के आसपास होना ही चाहिए। लंच 10 बजे, डिनर शाम के 5-6 बजे। हाँ, बीच में अगर भूख लगे तो जूस पीना, फल खाना, फुटाने खाना, शेगा खाना, गुड़ खाना, तिलपट्टी खाना, गुड़ पट्टी खाना बीच में, और सुबह शाम भोजन भरते 9-10 बजे सुबह, 5-6 बजे शाम को। एक भोजन से दूसरे के बीच 8 तास का अंतर गर्भवती आई के लिए। और दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि पहले महीने से 7वें महीने तक थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना। श्रम मैंने बताया, जाता चलाना एक है, सिल बट्टे पे चटनी करना एक है, कपड़े धोना एक है, झाड़ू पोछा करना एक है। ये काम अपने हाथों से ही करें तो अच्छा है, मशीन से ना करें, क्योंकि जितना आप कर लेंगे उतना डिलीवरी टाइम में आपको असुकून रहेगा, पेन कम होगा, तकलीफ कम होगी, त्रास कम होगा। ये एक ध्यान रखना है। और एक आखिरी ध्यान इस बात का रखना है कि पूरे पहले महीने से 8वें 9वें महीने तक 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, एग्जैक्ट टाइम ये है, 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, ये गर्भाशय के पूरे होने का समय है। इतने दिन तक आई को, पत्नी को कुछ मानसिक त्रास नहीं होना, कैसा भी किसी भी तरह का मानसिक त्रास नहीं, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है वो संतान को होता है। आई को थोड़ा मानसिक त्रास संतान के ऊपर 10 पट बढ़ जाता है। आई को थोड़ा हलन चलन हुआ ना, संतान को 10 पट बढ़ जाएगा। तो आई को कुछ भी त्रास नहीं होना। अब इसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार को लेनी है, पति को तो विशेष रूप से लेनी है, परिवार के दूसरे सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आई के साथ ऐसा कुछ ना हो जो उसको मानसिक त्रास वाला हो। जैसे हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, कुछ चीजें पसंद हैं, कुछ ना पसंद होता है ना, सबके जीवन में होता है। छोटे बच्चे को भी ये पसंद है, ये ना पसंद है, ये पसंद है। तो आई को जो जो चीज ना पसंद है वो उतने दिनों में नहीं होनी चाहिए घर में। अब उसकी एक सूची बना लो, ये चीज ना पसंद है तो ना हो, क्योंकि नापसंद वाली चीज होगी तो मानसिक त्रास होगा और उसका दुष्परिणाम आई को जितना होगा उससे ज्यादा बच्चे को होगा। और बार बार मानसिक त्रास अगर बच्चे को आपने दिया तो वो बच्चा जब पैदा होकर आएगा तो जिंदगी भर आपको त्रास देगा। ये आप ध्यान रखें, मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, आई को मानसिक त्रास हुआ बार बार, तो बच्चा हो गया, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसा मानसिक त्रास देगा कि जिंदगी भर आई और बाबा रोते रहते। बहुत बार बच्चों को आपने देखा ना, आई बाबा को रुलाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो गर्भ के समय अपनी आई के पेट में थे और आई को मानसिक त्रास हुआ उससे ज्यादा बच्चे को हुआ, तो वो पूरा बदला निकालता है। तो आई बड़ी पूछते हैं, कौन सा हमने कुकर्म किया था जो ऐसा हमारा बेटा हुआ? तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि याद करो, तुमने गर्भाशय के समय जब ये था क्या क्या त्रास दिया था। तो उनको याद नहीं आता, फिर खोद खोद के याद दिलाते हैं तो फिर पता चलता। तो इस बात का आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। ग्रहण का असर होता है, सभी ग्रहण का, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, शरीर पर असर है तो बच्चे पे भी असर है। इससे तो हमेशा आप बचने की कोशिश करें। तो अब सूर्य ग्रहण जो है बच्चे के लिए तकलीफ वाला माना जाता है, चंद्र ग्रहण उतना नहीं है लेकिन सूर्य ग्रहण तो बहुत तकलीफ वाला है। तो जब सूर्य ग्रहण का समय हो तो आई को सूर्य ग्रहण के सामने नहीं आना। ये एक ही बात के लिए है कि आप थोड़ा आराम ज्यादा करो। सूर्य ग्रहण वाले दिन पता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है क्योंकि सूर्य के कारण, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एक ही बात है, शरीर को ज्यादा त्रास मत दो,
शांत रहो, आराम करो। इसलिए कहा जाता है ये काटो मत, वो काटो मत, ये छेड़ो मत, वो छेड़ो मत, उसका आराम से संबंध है सीधा सीधा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में सबका बीपी बढ़ा हुआ है और आयु जो गर्भावस्था में है उसका तो और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक तो बच्चे के कारण बीपी बढ़ा हुआ है, ऊपर से सूर्य का ताप है, फिर ग्रहण का है, इन तीन कारणों से बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा शांति से रहो, आराम से। कुछ समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे कुछ प्रश्न आए हैं, उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आपके प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि कोई पति को और पत्नी को बच्चे नहीं होते, क्या करना है? ये व्यक्ति जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो मुझसे व्यक्तिगत मिले, क्योंकि उनका सार्वजनिक उत्तर नहीं है। किसी का कोई तकलीफ है, किसी का कोई तकलीफ, किसी में पति को तकलीफ है, किसी में पत्नी को तकलीफ है, तो एक जर्नल उत्तर इसका मैं नहीं दे सकता। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिले, नहीं तो मेरा नाम पता लिख लें, मुझे खत लिखें या ईमेल करें, विस्तार से आपकी माहिती मुझे दें, तो विस्तार से ही मैं समझ के कोई औषध बता सकता हूं। अभी जितना विषय हुआ इसके बारे में समझ,